हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यूपी यूएमएस की तरफ से 535 पोस्ट की यहां पर जो है प्रोविजनल जो है रिज़ल्ट वो यहां पर जारी कर दी गई है। पर दोस्तों फाइनल रिज़ल्ट आप तक सभी की कब तक आएगी, और साथ ही दोस्तों रिज़ल्ट आने के बाद उम्मीदवारों के जो मार्क्स हैं उससे कितना प्रभाव उनके कट ऑफ पर दोस्तों पड़ रहा है, क्योंकि लगातार हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पोलिंग कराई गई थी। पोलिंग कराने के बाद दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों यहां पर 2000 प्लस उम्मीदवारों ने इस पोलिंग में शामिल लिए थे। और दोस्तों लगातार मैंने आप सभी को बताया है कि इस बार की जो कटअप है वो काफ़ी ज़्यादा लो जाने वाली है, क्योंकि आप सभी को याद ही होगा कि यूपीएमएस की तरफ से जो यहाँ पर 600 प्लस पोस्ट निकाले गए थे उसके कट ऑफ क्या थे, जनरल के, ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट के। और दोस्तों इस बार की जो कट ऑफ है वो कितने जाने वाली है, क्योंकि दोस्तों वो दोनों कट ऑफ को लेकर मैंने आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पर और साथ ही दोस्तों कम्युनिटी टैब पर अपडेट किया था। तो दोस्तों दोनों कट ऑफ को टैली करने के बाद और दोनों कट ऑफ की पदों को यहाँ पर घटाने के बाद, क्योंकि अगले बार 600 प्लस पोस्ट थी और इस बार 535 पोस्ट हैं, जिसमें कि दोस्तों 200 पोस्ट तो जनरल के लिए है, 50 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है और अदर सारे पोस्ट ओबीसी, एससी, एसटी के लिए भी निकाले गए हैं। तो इस बार दोनों को कैलकुलेट करने के बाद इस बार की जो कट ऑफ क्या है, इस बार की चयन प्रक्रिया रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा कितने नंबर पर उम्मीदवारों को मेरिट में शामिल किया जाएगा, तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। दोस्तों कटअप की दोनों आंकड़े मैं आप सभी को यहां पर बताने वाला हूं। तो दोस्तों जितने भी उम्मीदवार हैं नर्सिंग की अपडेट जानना चाहते हैं, स्टाफ नर्सिंग की, लेबलेशियन की, फार्मिस्ट की, एएनएम की, तो दोस्तों आप हमारे चैनल स्टडी जोन से जुड़ जाइए, क्योंकि नर्सिंग से हर एक अपडेट जो भी आती है आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर आर्टिकल, न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से आप सभी तक को शेयर किया जाता है। चलिए दोस्तों पूरी डिटेल से अब बात करते हैं कि जो आप सभी की रिक्वायरमेंट की जो यहाँ पर जो है टैली करने के बाद, यानी कि दोस्तों दो यहाँ 600 प्लस पोस्टों की और यहाँ पर 535 पोस्टों की, दोनों की कट ऑफ टैली करने के बाद यहाँ पर जो है सीट माइनस करने के बाद, कैटेगरी वाइज सीट को कैलकुलेट करने के बाद आप सभी की कितनी कट ऑफ बन रही है वो मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। क्योंकि कई उम्मीदवारों ने टैली भी किया होगा अपने प्रीवियस, यहाँ पर जो कैंडिडेट नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे वो अपनी कैटेगरी के वाइज, और इस बार की कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ जाएगी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनरल के लिए, यानी कि जो जनरल के उम्मीदवारों के यहाँ पर जो है 535 पोस्टों में से दोस्तों इस बार की जो कट ऑफ निकाली गई है, यानी कि 200 सीटों पर उम्मीदवारों के यहाँ पर जो है सीट निकाले गए थे। पर दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखेंगे और इस साल की कट ऑफ देखेंगे तो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से जो एनालिसिस रहती है वो बिल्कुल ही परफेक्ट ही दोस्तों मानी जाती है, एक्सपेक्टेड जो रहती है वो पूरे तरह से रहती है, क्योंकि अगले साल भी जो हमारी तरह से प्रिडिक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और उसके बिल्कुल ही दोस्तों एकदम सटीक कट ऑफ बैठी थी और उम्मीदवारों के उतने नंबर पर सिलेक्शन भी किए गए थे। तो यानी कि दोस्तों इस बार का जो यानी कि जो प्रीवियस कटअप था दोस्तों वो लगभग यहाँ पर 413 या 415 के बीच में था, पर दोस्तों उस बार 600 प्लस पोस्टें थी और इस बार 535 पोस्टें, यानी कि दोस्तों 75 पोस्टें इस बार कम हैं। पर दोस्तों इस बार के अनुसार उम्मीदवारों की संख्या भी इस बार थोड़ी डाउन है, क्योंकि अगले बारों की जो संख्या थी उम्मीदवारों की उसके अंदर ज़्यादा थी। तो इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों जितने भी उम्मीदवार हैं यानी कि जनरल के जितने उम्मीदवार हैं दोस्तों 390 से लेकर यहाँ पर जो है 392 के बीच अगर वो स्कोर कर रहे हैं तो वो कैंडिडेट इस बार 100% दोस्तों यहाँ पर जो है सिलेक्टेड होने वाले हैं, यानी कि दोस्तों इतने नंबर पर आप सभी की मेरिट में आप सभी को यहाँ पर जो है बता दिया जाएगा इन चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप सभी की यानी कि दोस्तों आप सभी की जो है अब जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज की जो अपडेट है वो क्या होने वाली है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यानी कि दोस्तों ईडब्ल्यूएस के अंदर यानी कि अगले बार के जो सीट थी और इस बार के सीट में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिला है, क्योंकि इस बार जो है 50 यहाँ पर जो है 50 नंबर यहाँ पर जो है 50 सीटों पर निकाली गई थी और उसकी कैटेगरी दोस्तों जो थी यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, क्योंकि 50 नंबर पर उम्मीदवारों को इस बार सेलेक्ट किया जाएगा और ईडब्ल्यूएस की जो संख्या थी वो 50 थी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो आप सभी की कैटेगरी वाइज जो कटअप थी यानी कि अगले बार की जो कटअप थी और इस बार की कटअप में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा,
क्योंकि दोस्तों अगले बार की जो कटअप थी वो यहाँ पर जो है 395 और 396 के बीच में थी, पर दोस्तों इस बार आप सभी को 385 और 390 के बीच में आप सभी को स्कोर देखने को यहाँ पर मिल सकती है। दोस्तों अगर हम बात करें ओबीसी की कटअप की, ओबीसी की कटअप क्या जाने वाली है, तो दोस्तों ओबीसी की प्रीवियस की जो कटअप थी वो थी दोस्तों यहाँ पर जो है 390 के बीच में थी, और इस बार की जो कटअप जाने वाली है वो 380 जाने वाली है। यानी कि दोस्तों इस बार की जो कटअप है वो EWS से इस बार डाउन जाने वाली है, क्योंकि अगले बार EWS से दोस्तों जो है अप हो गई थी। अब अगर बात करते हैं कि यहाँ पर SC ST कैंडिडेट की कितनी जाएगी, यानी कि दोस्तों ST और SC की, ST की जो कटअप है वो पिछले बार दोस्तों 243 गई थी और ST की कटअप यहाँ पर जो है 312 गई थी, यानी कि जो प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसी में थी। पर दोस्तों इस बार ST की कटअप दोस्तों यहाँ पर 350 और SC की कटअप जो है यहाँ पर जो है 280 के बीच में जाने वाली है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो उम्मीदवारों के कमेंट आए थे और जो इनके स्कोर आए थे उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर फाइनली दोस्तों आप सभी तक सबमिट किया गया है। तो दोस्तों इसी तरह से ये जो कटअप की प्रक्रिया है जो मैंने आप सभी को बता दिया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की कटअप को कैलकुलेट कर उसके पदों की संख्या को घटाकर और फिर से उम्मीदवारों की जो कैलकुलेशन है कटअप की वो मैंने आप सभी को यहाँ पर जनरेट कर एक एक्सपेक्टेड जो कटअप की रेशियो है वो मैंने आप सभी के सामने यहाँ पर शेयर कर दी गई है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ थी दोस्तों आप सभी के कटअप के रिगार्डिंग, क्योंकि आप सभी के लगातार कटअप आ रहे थे। दोस्तों फिर से अगर कोई अपडेट चाहिए होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर आप हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, हमारी टीम के माध्यम से आप सभी की पूरी सहायता की जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह से थी जो मैंने आप सभी को अपडेट दे दी। अगर इसके रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप सभी तक ज़रूर शेयर किया जाएगा। और फाइनली रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट दोस्तों इसी महीने में आप सभी को देखने को मिलेगी। मैं क्योंकि कहा है कि आचार संहिता ख़त्म होने के बाद हर रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा आप सभी की जो कार्य की जो तेज़ी है वो जल्द से जल्द चालू की जाएगी और हर एक कार्य को नर्सिंग फील्ड के अंदर उम्मीदवारों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और उन कम संख्याओं को पूरा करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है जल्द से जल्द जो है वैकेंसी को यहाँ पर पूरा किया जाएगा। तो ये दोस्तों बड़ी न्यूज़ थी जो मैंने आप सभी तक साझा किया। अगर इसके रिगार्डिंग हमारे पास और कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो आप सभी को ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। ऐसी कैसे कौन जाता है?